नमस्कार, मैं आज आलू गोभी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। गैस जला के हम तेल गरम करेंगे। इसमें पहले आलू और गोभी को पहले मैं गरम पानी से धो के रखी हूँ काट के। अब तेल को अधिक डाल रहे हैं क्योंकि इसमें गोभी फ्राई करना है। अब इसमें गोभी डालेंगे। गोभी को पहले मैं गर्म पानी में धो के रखी हूँ। गोभी को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसको पलट पलट के अच्छे से दोनों साइड से ब्राउन होने तक तलेंगे इसको। अब अच्छे से भून गए। अब हम इसको निकाल लेंगे। गोभी निकालने के बाद हम तेल कम कर लिए हैं। अब आलू इसमें भूनेंगे। तेल में हम 5 फूट डालेंगे और 2 गो तेज पत्ता डालेंगे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। चलाते रहना है, नहीं तो जल जाएगा प्याज। अब इसमें हम आलू डालेंगे और डालने के बाद हम 2 मिनट इसको भूनेंगे। दो मिनट भूनने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और हल्दी डालेंगे और इसको चला लेंगे। और चलाने के बाद हम फिर से थोड़ी देर तक भूनेंगे इसको। अदरक लहसुन का पेस्ट है। काली मिर्च पाउडर है। जीरा पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर है। मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। कम से कम 4 से 5 मिनट तक भूनना है इसको। अब इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसमें हम 1 टमाटर डालेंगे। मैं कम आलू बना रही हूँ, इसमें हम 1 टमाटर डालेंगे। अगर आप अधिक बनाएंगे आलू तो टमाटर अधिक डाल सकते हैं। और अब ढक देंगे। बॉयल होने तक इसको रखेंगे 4 से 5 मिनट तक। बीच में एक बार चला के देखेंगे।
ढक देंगे। आलू को बॉईल होने देंगे। आलू बॉईल हो गए हैं, अब हम थोड़ा सा आलू निकाल लेंगे वो कटोरी में। इसको बाद में मैश करके डालना है, इसलिए मैं पहले निकाल रही हूँ थोड़ा आलू, और टमाटर भी निकाल लूंगी। आलू टमाटर निकालने के बाद हम इसमें गोभी जो फ्राई करके रखे हैं उसको डाल देंगे, और दोनों को मिला के अच्छे से ढक देंगे और 3 मिनट तक ढक के रखेंगे। 3-4 मिनट जितना आप रख सकते हैं। अब इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू टमाटर मैश कर लिया, अब हम इसमें मिला देंगे और सब अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें धनिया का पत्ता आप डाल देंगे। धनिया पत्ता डालने के बाद 2-3 मिनट तक वो ढक देंगे, तब इसका खुशबू अच्छा आता है। सब्जी मेरा बन गया, अब हम गैस बंद कर देंगे। आलू गोभी का सब्जी बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। इस तरह से एक बार अपना घर में जरूर बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।